सो हे एवरीबडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जो है हम कुछ ऐसी आदतों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में या फिर अपनी आम जिंदगी में इंक्लूड करके आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें पहली आदत की तो वो है सुबह उठकर पानी पीना। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसके अंदर जो है 70-75% पानी होता है, और जो कि हमारे बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसलिए पानी जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सुबह सुबह उठकर पानी पीने से जो है हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, यानी कि जो हम खाना बाद में खाने वाले हैं वो जो है ज़्यादा अच्छे से एनर्जी में कन्वर्ट होगा और हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी होगी आगे काम करने के लिए। साथ ही साथ सुबह सुबह पानी पीने से जो है हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो अच्छे से वर्क करता है और जो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म में जो है हमारी हेल्प करता है वेट लॉस करने में। और भी कई बेनिफिट्स हैं सुबह सुबह उठकर पानी पीने से, जैसे कि जो हमारी स्किन है उसे रेगुलर ब्लड फ्लो मिलता रहता है, जिसकी वजह से जो हमारी स्किन है उसमें ग्लो रहता है हमेशा, रिंकल्स आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। साथ ही साथ जो हमारी मेंटल परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी और जो हमारी समझने की कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। इसलिए जो है हमेशा सुबह सुबह उठ के पानी ज़रूर पीना चाहिए, लगभग 2-3 ग्लास काफ़ी होता है। लेकिन हमेशा ये बात याद रखें कि जब भी पानी पी रहे हैं तो उसे किसी भी अपने मील के साथ ना पिए, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो या लंच हो, कभी भी पानी को जो है किसी मील के साथ ना पिए, हमेशा अपने मील से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में पिए। साथ में पीने से क्या होता है कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से जो हम खाना खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता और लॉन्ग टर्म में जो है उससे जो है हमारा वेट गेन हो सकता है या फिर जो है हमारे को ओबेसिटी हो सकती है। इसलिए जो है कभी भी मील्स के साथ पानी ना पिए, हमेशा मील से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में पानी पिए। सर, जो दूसरी आदत जो कि आपकी हेल्प कर सकती है एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करने में, वो है सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करना। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो उसे जो है कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है एनर्जी की काम करने के लिए। दिन में तो हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को जो है एनर्जी की सप्लाई मिलती रहती है और हम जो है टास्क परफॉर्म करते रहते हैं। वेयर इज रात को हमारे लास्ट मील यानी डिनर के बाद और हमारे नेक्स्ट दिन के फर्स्ट मील के बीच में जो टाइम गैप होता है उसके बीच में जो है कुछ नहीं खाते, और इस दौरान जो है हमारी बॉडी जो है एक फास्टिंग स्टेट में चली जाती है। उस फास्टिंग स्टेट के दौरान जो हमारी बॉडी है वो उस डिनर से ही एनर्जी ले रही होती है, और नेक्स्ट दिन जब हम अपना फर्स्ट मील कंज्यूम करते हैं तो हम उस फास्टिंग स्टेट को ब्रेक कर देते हैं, और इसलिए हमारे नेक्स्ट दिन के फर्स्ट मील को जो है हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। जो लोग सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट नहीं करते या किसी वजह से ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते हैं, उनकी बॉडी में एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा कम होती है और इसलिए उनकी बॉडी जो है एनर्जी डिमांड कर रही होती है। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने कुछ ऐसे सोर्सेज ढूंढते हैं जिससे उनको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए और वो जो है टास्क परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाए। तो वो क्या करते हैं, कोई भी आसपास जो जंक फूड होते हैं या स्नैक्स होते हैं उन्हें खा लेते हैं, जिससे उनको शॉर्ट टर्म के लिए एनर्जी मिल जाती है। बहुत सारे रिसर्चेज में ऐसा प्रूव करा गया है कि जो लोग सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो वो जो है 80% टाइम जो है जंक फूड्स या फिर स्नैक्स खा रहे होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में उनको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, जैसे कि ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज़ हो गया या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गया। सो, इसलिए जो है सुबह सुबह उठकर एक हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की बात करें तो आपको जो है अपने ब्रेकफास्ट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को जो है ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि ओट्स हो गया, दलिया, उपमा, पोहा या फिर रोटी को जो है इंक्लूड करना चाहिए। साथ ही साथ कोई प्रोटीन सोर्स ज़रूर इंक्लूड करें, जैसे कि पनीर हो गया, एग्स हो गया या फिर टोफू हो गया, उन्हें इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर हो सके तो ब्रेकफास्ट में कोई फ्रूट ज़रूर कंज्यूम करें, ताकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और विटामिन्स और मिनरल्स है वो भी आपको अच्छे अमाउंट में मिल सके। तो इस तरीके से जो है आप अपना एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बना सकते हैं और उसे सुबह सुबह कंज्यूम करें, ताकि आपको जो है अपना दिन के लिए एक किक स्टार्ट मिल सके और आप जो है टास्क परफॉर्म करने के लिए तैयार हो सके। जो तीसरी आदत जिसको आपको अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए वो है डिनर के बाद वॉक ज़रूर करना। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो है डिनर करने के बाद सीधा बेड पे जाके लेट जाते हैं या फिर अपना कोई काम करने लग जाते हैं। डिनर के बाद वॉक करना एक ऐसी आदत है जिसको अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में इंक्लूड करने से आपकी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो सकती है। डिनर के बाद वॉक करने से जो है आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, साथ ही साथ वो जो है आपके ब्लड प्रेशर और आपके जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। और भी कई बेनिफिट्स हैं डिनर के बाद वॉक करने के, जैसे कि आपकी बॉडी जो है हमेशा फिजिकली एक्टिव रहती है, साथ ही साथ जो है आपका वेट गेन नहीं होता और आपको ओबेसिटी भी नहीं होती, और लॉन्ग टर्म में जो है ये आपके वेट लॉस में भी मदद कर सकता है। इसलिए जो है आप डिनर के बाद वॉक ज़रूर करें।
लगभग 10 से 15 मिनट की वॉक जो है काफ़ी होती है, लेकिन अगर आपने कोई हैवी मील कंज्यूम करा है तो आप जो है 20 से 25 मिनट की वॉक भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के केस में क्या होता है कि वो डिनर के जस्ट बाद जब वो वॉक करने जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनके पेट में जो है ब्लोटिंग हो रही है या फिर ऐसा लगता है कि थोड़े गैस फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं कि 5 से 10 मिनट किसी जगह बैठ कर फिर जो है वो 10 से 15 मिनट की वॉक जो है करने जा सकते हैं, उससे जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए जो है डिनर के बाद वॉक ज़रूर करें ताकि आपका जो वेट जो है वो मेंटेन रह सके और आप जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव कर सके। सो अगर हम बात करें आदत नंबर 4 की जिसको आपको अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए, तो वो है मिनिमम अमाउंट में जंक फूड खाना। अगर हम जंक फूड की बात करें तो वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग से बनाया जाता है। इनके अंदर जो है बहुत हाई अमाउंट में फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं और शुगर होती है, जो कि आपकी बॉडी के लिए जो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, और लगभग ना के बराबर प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। ऐसा माना गया है कि जो लोग रेगुलरली जंक फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं या फिर रेगुलर जंक फूड खाते हैं वो लोग जो है इसके एडिक्ट हो जाते हैं और फिर उनके लिए जो है जंक फूड छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ जंक फूड में फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता, जिसकी वजह से जो है वो हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता और हमारे को जो है कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। अगर हम लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स की बात करें तो जंक फूड रेगुलरली खाने से जो है हमारे को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो इसलिए जो है जंक फूड कम से कम कंज्यूम करें या फिर कम से कम अपनी डाइट में इंक्लूड करें। तो यहाँ पे बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या हम जंक फूड बिल्कुल भी ना खाएं, सारा टाइम हेल्दी खाना ही खाते रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जंक फूड जो है अपनी डाइट में इंक्लूड करें लेकिन उसको जो है 80:20 रेशियो में जो है इंक्लूड करें, यानी कि 80% ऑफ द टाइम जो है आप हेल्दी फूड्स खाएं और वीक में एक बार या डेढ़ हफ्ते में एक बार या फिर 2 हफ्ते में एक बार जो है आप जंक फूड खा सकते हैं, ताकि आपको उस हेल्दी रूटीन से जो है थोड़ा सा ब्रेक मिल सके और फिर जो है वापसी कंटिन्यू कर पाए उस हेल्दी रूटीन को। अगर आप बिल्कुल भी जंक फूड अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करेंगे तो आप एक शॉर्ट टाइम के लिए एक हेल्दी रूटीन फॉलो कर पाए और आपको जो है फिर ऐसा लगेगा कि मेरे को जंक फूड खाना है खाना है, और फिर जो है आप एक हाई अमाउंट में जंक फूड खा लेंगे जो कि आपके लिए जो है फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो इसलिए जो है वीक में एक बार या फिर 2 वीक्स में एक बार जो है जंक फूड ज़रूर खाएं ताकि आप जो है हेल्दी रूटीन को मेंटेन कर सके, लेकिन कभी भी इसको ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम ना करें। सो गाइस, जो पांचवी आदत है जिसको आपको अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए वो है रेगुलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाना। अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो चाहे आपका कोई भी गोल हो, वेट लॉस हो, वेट गेन हो, चाहे आप वर्कआउट करते हो या ना करते हो, आपको इनको जो है अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की हेल्प से जो है आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर से जो है आपको बहुत अच्छे अमाउंट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि वाइटामिन्स और मिनरल्स जो है वो मिलते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर से जो कैलोरीज मिलती है वो बहुत कम होती है और इसलिए जो है आपकी वेट लॉस में भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप जंक फूड का कोई भी रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं तो उनका बेस्ट रिप्लेसमेंट जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही है। कभी भी अगर जंक फूड खाने का मूड करें तो उनकी जगह जो है आप इनको खा सकते हैं, ये जो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बहुत सारे रिसर्चर्स का ये मानना है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रेगुलर कंज्यूम करने से आपको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि स्ट्रोक हो गया, कैंसर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, उसके होने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं। साथ ही ये जो है आपके वेट को, आपके ब्लड प्रेशर को और आपके कोलेस्ट्रॉल को जो है कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो इसलिए जो है आप अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज़रूर इंक्लूड करें। आप जो है इनको रॉ खा सकते हैं या फिर इनको जो है सलाद बना के अपने मेन मील्स में इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप जो है इनको अपनी स्मूदीज में इंक्लूड कर सकते हैं। चाहे कैसे भी खाएं लेकिन इनको जो है आप ज़रूर रेगुलरली कंज्यूम करें। दिन में कम से कम वेजिटेबल्स का एक बाउल और 2 से 3 फ्रूट्स जो है आप रेगुलरली कंज्यूम करें अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करना चाहते हैं। सो मैं होप करता हूँ कि ये 5 आदतें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी जो कि आपकी मदद कर सकती है एक नॉन हेल्दी लाइफस्टाइल से एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त नमस्ते देवा, चलता हूँ, टेक केयर, बाय।